अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, ये देखिए मैंने नाया का स्नैक्स और लंच बॉक्स तैयार कर लिया है। अभी नाया के स्कूल का टाइम है। ये पास्ता है और एप्पल और क्रोसान मैंने उसको स्नैक्स में दिया है। नाया के वाटर बॉटल है। अभी मैं नाया को ड्रॉप कर आई हूँ और अपने प्लांट्स को अभी मैं वो डालूँगी सीड्स। गेंदे का सीज़न आ रहा है इसलिए मैं गेंदे के वो सीड्स डाल रही हूँ देखिए इसमें, और मैं ये संभाल के रख लेती हूँ जब इसके फ्लावर आते हैं। अब इन सब प्लांट्स में पानी दूंगी। ये मेरी बेल्कनी है और मैंने आपको पहले भी अपनी बेल्कनी दिखाई थी, और मैं उसमें पानी डालकर फिर अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सॉरी मैं भूल गई। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अभी अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी, अपनी बेल्कनी दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए मेरा स्पिनच ऑमलेट बना रही हूँ मैं। ये इसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट और स्पिनच है, और ये मेरी टी बन रही है यहाँ पर। ये देखिए मेरा स्पिनच ऑमलेट बना रही हूँ मैं अपने लिए, और टी इसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट और स्पिनच डालती हूँ मैं। स्पिनच हमारे लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, और आज मैं चीज़ भी डालूँगी इसमें। ये देखिए लो फैट चीज़ है ये, इट्स वेरी यमी। जी जनाब, अपने बालों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखिए, क्योंकि औरतों की खूबसूरती बालों से ही होती है, चाहे वो लड़की हो या ख़वातीन बड़ी एज की। ये मैंने चार जो है तेज़पात, जिन्हें बे लीव्स कहते हैं, वो लिए हैं। दो कप पानी में और दो टेबलस्पून ये है रोज़मेरी, और दो ही टेबलस्पून है लौंग। तो ये आप दो कप पानी में इसको पहले बॉयल कीजिए पानी, और बॉयल आ जाए तो फिर इसको स्लो फ्लेम पे छोड़ दें। दो कप पानी जो एक कप पानी रह जाए, तो इस तरह आपने तैयार करना है, इसको स्लो फ्लेम पे छोड़ना है। ये देख रहे हैं आप, मैं स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है। 10 to 20 मिनट्स लगते हैं इसको स्लो फ्लेम पे कि हाफ हो जाता है ये। अब इसको कूल डाउन कर लिया है। कूल डाउन करने के बाद मैं शैम्पू ले आई हूँ, अपना भी, नाया का भी। ये देखिए अब मैं शैम्पू में डालूंगी। एक एस्प्रे बॉटल भी रखी है मैंने, उसको फिल करूंगी। एस्प्रे बॉटल से मैं अपने बालों में जिस वक्त चाहे, ये एस्प्रे डेली अगर आप कर सकते हैं डेली कीजिए अपने बालों में। ये हेल्दी आपके बाल करेगा, आपके पैचेस नहीं आएंगे, फॉलिंग हेयर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और जब आपको फ़ायदा पहुँचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं खुद यूज़ करती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा जब यह इसको यूज़ करें तो, और आपको बहुत पसंद आएगी ये रेमेडी, क्योंकि मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ इस तरह ये अपने शैम्पू में डाल के। आज नाया को जुमेरा जाना था पार्क में, तो इसलिए हम जुमेरा की तरफ निकले हैं। ये देखिए ये सामने पार्क नज़र आ रहा है, ये बहुत खूबसूरत पार्क है। और नाया को बहुत ज़्यादा स्विंग, बहुत ज़्यादा शौक से नाया स्विंग इंजॉय करती है, स्लाइड स्विंग। आपको पता है सब बच्चे यही पसंद करते हैं। ये वॉकिंग एरिया है ये बुर्जुल अरब के पास, बहुत खूबसूरत व्यू है, क्योंकि आजकल वेदर बहुत अच्छा है, हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है। आप फील नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्लेजेंट वेदर है इस वक्त, कि ना गर्मी है इस वक्त इस मौसम इस टाइम पर। दोपहर में बहुत गर्मी होती है, लेकिन इस वक्त ज़्यादा गर्मी नहीं है। और बहुत खूबसूरत व्यू है, सनसेट का व्यू है, और ये बीच भी है यहाँ पर, आप देख रहे हैं, इट्स ब्यूटिफुल। नाया और मैं कैसे लग रहे हैं? मैंने ब्लू अबाया पहना हुआ है, मुझे बताइएगा कि है कमेंट सेक्शन में हम कैसे लग रहे हैं, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। ब्यूटीफुल। देखिए अभी मैं अपने हस्बैंड को चाय का कहा, वो चाय लेकर आए अभी, क्योंकि बहुत दिल चाह रहा था चाय पीने को। अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, और चाय वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। अक्सर हम लोग चाय घर से ही पी कर आते हैं, लेकिन आज हम लोग जल्दी निकल आए इनाया की वजह से, क्योंकि इनाया का बहुत ज़्यादा था कि मुझे पार्क जाना है। बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही है इनाया माशाल्लाह से, और बच्चे इन्जॉय करते हैं तो हम इन्जॉय करते हैं।
और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आज जो मैंने हेयर सीरम आपको बना के दिखाया है और उसकी, वो ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और रेमेडी मेरी कैसी लगी। इना एंजॉय कर रही बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से, शी इज़ जंपिंग अलॉट। जी देखिए हवा बहुत तेज़ है जिससे मुझे मेरा अबाया बार बार मेरे, मैं अपना होल्ड कर रही हूँ अबाया को, बहुत तेज़ हवा चल रही है, इट्स ब्यूटीफुल। और मैं ये कह रही थी जो मैंने आज बालों के लिए आपको हेयर स्प्रे और वो बताया है शैम्पू में डालने के लिए, सीरम प्लीज़ उसे ज़रूर बनाएगा और अपने बालों में स्प्रे कर लिया कीजिए। और अभी विंटर है तो आप उसमें 2-3 ड्रॉप ऑयल के भी डाल सकते हैं, ताकि आप, शुरू हो रहा है क्योंकि विंटर अभी, ताकि वो ग्रीसी भी ना हो और आपके बाल मॉइस्चर भी रहे, उससे फ्रिजीनेस भी ख़त्म हो जाएगा बालों का। तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। मैं बहुत सालों से यही यूज़ करती हूँ और मुझे तो बहुत बहुत फ़र्क लगता है। जी जनाब, हम पार्क में आ गए, नाया स्विंग कर रही हैं, ये पार्क बहुत खूबसूरत है, इट्स ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं बहुत नीट एंड क्लीन पार्क है, क्योंकि हम पाकिस्तान से आते हैं तो हमें हर चीज़ इस वजह से हम कंपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बेसिक नेसेसिटी के साथ साथ पार्क्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे बच्चे इजीली बहुत इंजॉय कर सकते हैं, ये यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब माय चैनल। ये देखिए बुर्जुल अरब, ये बहुत फेमस मशहूर होटल है यहाँ का और बहुत ही खूबसूरत भी। और मैं ये ज़रूर कहूँगी जो लोग दुबई घूमना चाहते हैं वो इस वेदर में ज़रूर आएँ, ये वेदर अच्छा है, विंटर का वेदर, अक्टूबर नवंबर से ये वेदर यहाँ पे अच्छा हो जाता है कि आप इजीली बाहर घूम फिर सकते हैं। तो विंटर का वेदर इज़ द बेस्ट वेदर फॉर द टूरिस्ट, तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगले व्लॉग में मैं एक सरप्राइज़ आपको देने वाली हूँ, उसका वेट कीजिएगा। स्टे विद अस।